भैया इसी क्यूआर कोड पे करनी है पेमेंट। हाँ मैडम, इसी पे कर दीजिए। ऑनलाइन 9,947 रुपये प्राप्त हुए। शिट 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 शिट। भैया वो ना गलती से अमाउंट की जगह ना मैंने पासवर्ड भर दिया, आपके पास ना ज़्यादा पैसे आ गए, आप मुझे बाकी के पैसे लौटा दीजिए। मैडम मैं पैसे तो नहीं दे सकता आपको। क्यों नहीं दे सकते? ये जो स्टॉल है ये रेंट का है, तो यहाँ के सारे पैसे मालिक को जाते हैं, हमारे पास तो पैसे होते ही नहीं है, तो आप ही बताइए हम पैसे कहाँ से ला के देंगे आपको। हाँ तो ठीक है ना, आप अपने मालिक को बुलाइए। ठीक है मैम। हेलो मालिक। क्या हो गया छोटू? मालिक मैडम से ना ज़्यादा पैसे हो गए हैं, तो मैडम अपने बच्चों से पैसे मांग रही है। मैंने ना गलती से अमाउंट की जगह ना पासवर्ड डाल दिया और आपके पास ज़्यादा पैसे चले गए, आप मुझे प्लीज़ मेरे पैसे लौटा दीजिए। देखिए मैडम आपके पैसे तो मैं नहीं दूंगा वापस। अरे आप ऐसे क्यों नहीं दे सकते मेरे पैसे? अरे मैडम क्योंकि ये जो क्यूआर कोड है ना ये लिंक है मेरे पापा के अकाउंट से, पापा गए हुए हैं बाहर तो वो आएंगे कल, तो आपको अपने पैसे कल ही मिलेंगे, कल आना और अपने पैसे ले जाना। हाँ तो एक काम कीजिए ना, अपने पापा को फोन कीजिए और उनको बोलिए कि मेरे पैसे लौटा दें। अरे अगर उनको ये सब करना आता तो मैं उनको फोन करके भूल ही देता ना, आपको कल आने के लिए क्यों कहता? आप टेंशन मत लो, आप कल आओ और अपने पैसे लेके जाओ। अरे मैं आपको कैसे बताऊँ कि अगर मैं पैसे बिना वापस लिए गई ना तो मेरे घर वाले मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे, आप कैसे भी करके ना प्लीज आप मुझे पैसे दे दीजिए। अरे मैडम ना अभी तो मेरे पास कैश है ना मेरे अकाउंट में पैसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप कल आना। मुझे ना आप दोनों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं। अगर मैं कल वापस आई और आप लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए और यहाँ से गायब मिले तो मैं क्या करूँगी? मैडम कैसी बातें कर रहे हो आप ये? मैंने बोला था क्या आपको ज्यादा पैसे करने के लिए? आपने खुद ही किए हैं और चिल्ला हम पे ऐसे रहे हो जैसे कि हमने ही कोई गलती कर दी हो। ना तो ये दुकान गई जा रही, ना हम जा रहे, ना आपके पैसे। कल आना अपने पैसे लेके जाना, और अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो ये मेरा कार्ड रखो, इस पर मेरा नंबर भी है, मेरा एड्रेस भी है। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम कभी सही नहीं होता, इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट करते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी गलतियां हमें देखने को मिलती है जिसमें हम या तो किसी गलत इंसान को पैसे भेज देते हैं या फिर ज़्यादा पैसे भेज देते हैं, इसीलिए हमें आराम से और देखभाल कर ही ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अनजाने में अगर आपसे कोई गलत UPI ट्रांजेक्शन हो जाती है तो आप NPCI के पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं अगर रिसीवर आपको पैसे देने से इनकार कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।